21 इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज, यहां पे भी देखो प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो रही है जो इंक्रीज कर रहा है, तो भाई इधर भी ऐसे लिख दो डीपी बाई डी टी किसके इक्वल एट द रेट 5% पर ईयर। तो अभी बताया ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो प्रिंसिपल अमाउंट को पी ले लिया है, इस बार तुम्हें रेट दे रखा है 5%, तो 5 पर ईयर है तो टाइम को 1 कर दिया नीचे 100, तो फाइनली ये आ जाएगा। तो यानी ये क्वेश्चन सेम हो गया पिछली वाली तरह, तो डीपी बाई पी हो जाएगा, क्या हो गया डीपी बाई पी 5 अपॉन 100 डीटी, इंटीग्रेट कर लो तो ये लॉग पी आ गया, 5 अपॉन 100 बाहर आ जाएगा इंटू टी हो गया प्लस का सी। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, यानी कि आपने शुरुआत में जो अमाउंट है कितना दिया 1000, तो इसका मतलब टाइम अगर मैं जीरो कर दूं तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी लेनी है 1000, तो चलो पुट कर दो, तो लॉग 1000 इज इक्वल टू ये जीरो हो गया प्लस का सी, तो सी फाइनली कितना आ गया लॉग 1000, चलो इसको यहाँ पुट कर दो, तो लॉग पी इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 इंटू टी प्लस का सी यानी लॉग 1000। अब देखो और आगे क्या बोला है, हाउ मच इट विल वर्थ, ठीक है आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है मतलब ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10 साल बाद यानी कितना 10 साल बाद ना, हाँ 10 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा ये पूछा है, ये टाइम को हमें 10 रखना है, कितना रखना है 10, तो बोला कितना हो जाएगा तो रख देते हैं चलो टाइम को 10, तो लॉग पी इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 कितना आ जाएगा 5 2, तो 1/20, तो 1/20 और टाइम को रखना है कितना 10 ईयर्स, और ये तो हमने सी निकाल ही लिया लॉग 1000, तो ये आ गया 1/2 प्लस का लॉग 1000 और यहां पे लॉग पी। अब इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है ये हमारे लिए है, तो अगर पहले चलो मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा लॉग P माइनस का लॉग 100 वो सॉरी 1000 इज इक्वल टू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा लॉग P अपॉन 1000 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2, लॉग M माइनस लॉग N क्या होता है ये, अच्छा लॉग में मैं 12 बोल रहा हूँ कि बेस हम लिखते नहीं है क्योंकि 12 कन्फ्यूजिंग होता है, इसलिए अब इधर जरूरत पड़ेगी तो बेस हमने E मान लिया, 20 E होता है, अब चाहिए तो तुम्हें P है ना, बोला कितना हो जाएगा यानी P की वैल्यू पता करनी है, इसका मतलब इस लॉग को मुझे हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटेगा, अब ये हमने बहुत बार किया है इंटीग्रेशन में भी करा है कि अगर लॉग कभी हटाना है तो बेस की पावर राइट हैंड साइड यानी कि ई की पावर 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा इस आउटकम के इक्वल यानी पी अपॉन 1000 के, क्या बताया फिर से सुन लो अगर नहीं पता है, अगर लॉग हटाना है तुम्हें तो बेस की पावर राइट हैंड साइड और ये किसके इक्वल होगा इसके इक्वल होगा, बस यहीं से आंसर हो जाएगा, तो पी अपॉन 1000 इज इक्वल टू e की पर 1/2 का मतलब e की पर 0.5 और वो वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी है 1.648, तो p कितना आ जाएगा 1.648 इंटू 1000 कितना आ जाएगा 1648, तो ये आ गया प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है और ये मतलब प्रिंसिपल अमाउंट मतलब ये डिपॉजिट 10 साल बाद इतना हो जाएगा अगर आपने इतना डिपॉजिट करा, कहाँ गया 1000 डिपॉजिट करा, क्लियर समझ में आया, तो फाइनली हमारा ये आ रहा है आंसर, बुक में भी चेक कर सकते हैं आप।